मासूम बच्चे के हत्यारोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़। खबर गाजीपुर से है, जहां मासूम बच्चे के हत्यारोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर के गमर थाना क्षेत्र के मिसौलिया मोड़ पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 21 फरवरी को पड़ोस के घर के बक्से में 19 वर्षीय लापता 9 वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिला था, जबकि हत्यारोपी पड़ोस घर से गायब था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। फरार चले हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ दौरान गिरफ्तार किया है। दिनांक 19/2/24 को ग्राम देवल में एक 9 वर्षीय बालक जो कि अपने घर से खेलते हुए गायब हो गया था, बाद में उसकी डेड बॉडी उसके पड़ोस में रहने वाले संजय नट के घर से बक्से में बरामद हुई थी। इस सूचना पर समुचित धाराओं में मुकदमा तर्मीन किया गया था तथा संजय नट की लगातार तलाश की जा रही थी। आज देर रात चौकी प्रभारी देवल को यह सूचना मिली कि संजय नट देवल की तरफ से होते हुए भदारा की ओर भागने की फिराक में जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी देवल द्वारा थाना प्रभारी गामर को सूचना देते हुए इस व्यक्ति की आने जाने वाले रास्ते पर छुप करके इंतजार किया जा रहा था, तभी उधर से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इसको रुकने का इशारा किया गया चौकी प्रभारी द्वारा, परंतु वह तेजी से भागा। चौकी प्रभारी देवल ने उसका पीछा किया। दूसरी तरफ से प्रभारी निरीक्षक गामर की टीम आ रही थी। एक जगह पर वह मोटरसाइकिल रोक करके किनारे पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उस पर आत्मरक्षा में फायर किया गया तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जो है जिला अस्पताल भेजा गया है और उसने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करना बताया कि हाँ, मेरे द्वारा ही उस छोटे बालक की हत्या की गई थी।